हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट पे दोस्तों रिसेंटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक हुई जिसके अनुसार भारत सरकार विचार कर रही है चाइना से आने वाले सस्ते केमिकल्स या फिर मैं कहूं चाइना से होने वाले केमिकल्स की डंपिंग के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने का देखिए दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रकार के टैरिफ्स लगाती है तो इससे हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा वो सेफ होंगी अगेंस्ट चाइना के डंपिंग जो वो करता है केमिकल्स की इंडिया में तो देखिए इस दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो में आपके लिए के एक के केमिकल सेक्टर से एक बेहतरीन कंपनी लेके आ रहा हूं एक उभरता हुआ सितारा जी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे थ्री डिग्री रिव्यू करेंगे आर का ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं है बल्कि रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिसको पहले रेन कमोडिटीज लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स रेन इंडस्ट्रीज़ हुई थी 1974 में और इसका है, है हैदराबाद में देखिए दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज़ ने अपनी शुरुआत करी थी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तौर पे और आज देखिए दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाई हो चुकी है और वेल well स्प्रेड हो चुकी है ऑल अक्रॉस द ग्लोब्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एट कंट्रीज़ में जो कि स्प्रेड हैं थ्री कॉन्टिनेंट्स में देखिए दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज़ की बेसिकली प्राइमरली मेजरली टू सब्सिडीज़ हैं पहली है रेन कार्बन इंक और रेन सीमेंट लिमिटेड रेन कार्बन इंक के अंडर ये सारे कार्बन प्रोडक्ट्स और स्पेशल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और रेन सीमेंट लिमिटेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे वो सीमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है देखिए दोस्तों कंपनी बेसिकली रेन कार्बन इंक के अंडर करती क्या है ये कन्वर्ट करती है जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल रिफाइनिंग ऑयल को जब हम रिफाइन करते हैं उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं और साथ ही साथ जैसे हम कोक को प्रोडक्शन करते हैं कोक का प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एक हाई वैल्यू कार्बन प्रोडक्ट्स के और हाई वैल्यू कार्बन प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देती है तो देखिए दोस्तों आगे हम जानेंगे किन प्रकार के प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करती है इन बाय प्रोडक्ट्स से तो अगर हम बात करें कंपनी की सब्सिडीज की तो रेन कार्बन इंक आर एक लीडिंग एक ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कैल्साइन पेट्रोलियम कोक जिसको हम बोलते हैं सी सी और कोल तार पेज सी की इन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेफाइट कार्बन ब्लैक टाइटेनियम डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में रेन सीमेंट लिमिटेड की बात करें तो रेन सीमेंट लिमिटेड एक लीडिंग मैनुफैक्चर है सीमेंट की इन द सदर्न इंडिया ये प्राइमरीली टू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड मेंट ओपीसी एंड पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट पीपीसी अंडर ब्रांड नेम प्रिया सीमेंट जो सदर इंडिया से हमारे व्यूअर्स होंगे उनको आइडिया हो रहा होगा प्रिया सीमेंट नाम से इनका ब्रांड चलता है कंपनी प्राइमरीली काम करती है तीन मेजर सेगमेंट्स में कार्बन सेगमेंट एडवांस मटेरियल सेगमेंट एंड सीमेंट सेगमेंट तो देख लेते हैं दोस्तों कि हर सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यू में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है कार्बन सेगमेंट से एडवांस मटीरियल के सेगमेंट से आता है ट्वेंटी का कंट्रीब्यूशन एंड सीमेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है एट का कंट्रीब्यूशन क्योंकि टोटल रेवेन्यू में वहीं अगर हम इनकी बात करें कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई करा है जोग्राफिकली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रेवेन्यू में टोटल कंट्रीब्यूशन है मिडिल से सेवन परसेंट का यूएसए से सेवनटीन परसेंट का नॉर्थ अमेरिका से ट्वेल्व परसेंट का अफ्रीका से फोर परसेंट का एशिया से ट्वेंटी वन परसेंट का एंड यूरोप से थर्टी एट परसेंट का तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंपनी की पूरी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है आप चाहे बात करें एशिया की अफ्रीका की नॉर्थ अमेरिका की यूरोप की तो हर जगह इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट मात्रा में इनका रिवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है हर जोग्राफी से वही देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी की एट कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो देख सकते हैं कार्बन सेगमेंट की इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है इंडिया में पोलैंड में यूएसए में जर्मनी में रशिया में कैनेडा में बेल्जियम में एडवांस मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं जर्मनी कैनेडा नेदरलैंड्स बेल्जियम में एंड सीमेंट जो है ये एक मेजरली मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में और वो भी फोकस करते हैं सदर्न इंडिया में यहां पर भी आप देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड का मैप मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है यूरोप में इनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पोलैंड में जर्मनी में नीदरलैंड में बेल्जियम में और यूएस एंड कनाडा में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अगर तो हम बात करें पिछले चार साल की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 में कंपनी ने 9,258 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया 2017 में 11,303 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में ये बढ़कर के 14,048 करोड़ पे पहुँच गया और 2019 में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और कंपनी ने ट्वेल करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी ने टू में टू करोड़ का नेट रेवेन्यू कमाया टू में ये बढ़ करके सेवन करोड़ पर पहुंच गया टू में सिक्स करोड़ और 2019 में 460 करोड़ 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले तीन सालों में लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है इसका जो प्राइम रीजन है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन को माना जा रहा है वहीं अगर हम बात करें कंपनी के शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपके सामने मैंने पिछले छः महीने का ग्राफ प्लॉट किया है तो कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 128 का टच किया था 16 जनवरी 2020 को और अपना 52 वीक लो 24 मार्च 2020 को इसने टच किया जो कि था फोर्टी फोर रुपीज़ पर इस दिन आप सबको पता है कि मेजर सेल आउट देखने को मिला था पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स में वहाँ से कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है एंड एज ऑन एट जुलाई ट्वेंटी कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है नाइन्टी के प्राइस पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर अपने 52 वीक लो से डबल हो चुका है इन तीन चार महीने के अंतराल में तो अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की तो एज ऑन नाइन जुलाई 2020 कंपनी का पी रेशियो स्टैंड करता है 7.31 पॉइंट थ्री वन पे पी बी रेशो की अगर हम बात करें तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.62 पॉइंट सिक्स टू जो जो दर्शा कि दर्शाता है कि कंपनी का जो शेयर है वो अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है आर की बात करें तो नाइन का आर एक सेटिसफेक्ट्री आर मैं मानता हूँ डेट टू इक्विटी की अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी इनका है वन जो कि एक हायर साइड पर मैं कंसिडर करता हूँ और ये मेरे को एक कॉज ऑफ कंसर्न लगता है कंपनी के पास कंपनी के ऊपर जो है एट थाउजेंड करोड़ से भी ज्यादा का लॉन्ग टर्म डेट uh, है वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 41.12 परसेंट की शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास 43.26 परसेंट की शेयर होल्डिंग है एफ होल्ड करते हैं 41 uh, 14.33 परसेंट की शेयर होल्डिंग और डी के पास काफ़ी नेग्लेजिबल और काफ़ी कम शेयर होल्डिंग है 1.30 की तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशन और प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग को मिला के ये अराउंड आता है फिफ्टी से फिफ्टी के बीच जो कि एक लोअर साइड में मैं कंसिडर करता हूँ वहीं अगर हम बात करें प्रमोटर्स के कॉन्फिडेंस की तो पिछले चार क्वार्टर्स का मैंने आपके सामने डाटा प्रेजेंट किया तो प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है ये जो रफ फेस आपको देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के कारण और जो रिसेंट स्लो डाउन भी इंडियन इंडियन इकोनॉमी में चल रहा था उन सबका इम्पैक्ट प्रमोटर्स के कॉन्फिडेंस पर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है पिछले चार क्वार्टर्स में यानी कि पिछले एक साल में कंपनी के प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रही है और रिसेंट क्वार्टर में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने थोड़ी बहुत ऐड अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाई भी है बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की तो देखिए दोस्तों अगर हमें कंपनी का फ्यूचर आउटलुक समझना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किन किन इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है देखिए दोस्तों रेन इंडस्ट्रीज़ जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं अदर इंडस्ट्रीज में अभी हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सी पी सी कैल्साइन पेट्रोलियम कोक एंड कोल तार पेच सी टी पी देखिए दोस्तों इन दोनों प्रोडक्ट्स को कम आ, किन किन इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है हमें ये पहले कंसिडर करना पड़ेगा देखिए दोस्तों सी पी सी का मेनली यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट वुड प्रिजर्वेशन टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अदर इंडस्ट्रीज़ में इन सारी इंडस्ट्रीज में सीपीसी काफी मेजोरिटी में यूज किया जाता है और मेजोरिटी जो है सीपीसी का यूज होता है कार्बन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में यानी कि एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने में CPC का काफी ज्यादा यूज किया जाता है तो डिमांड फॉर एल्यूमिनियम इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इट्स यूज इन ऑटोमोबाइल एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पैकेजिंग इंडस्ट्री और आप सबको पता है एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और पिछले कुछ सालों से हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल की uh, सेक्टर में काफी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो उसका सीधा इंपैक्ट एल्यूमिनियम की डिमांड पर पड़ा और सीधा इंपैक्ट आपको सीपीसी के डिमांड पे देखने को मिल रहा है इसीलिए पिछले तीन सालों से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते हुए आपको देखने को मिले थे वहीं अगर हम देखें जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि एल्यूमिनियम का यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है पैकेजिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मांग बढ़ रही है पैकेजिंग इंडस्ट्री से तो ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के सेकंड मेजर प्रोडक्ट को देखें जो कि है कोल पिच सीटीपी तो सीटीपी का मेजर यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स एल लाइट्स और कार्बन फाइबर के प्रोडक्शन में भी इसका काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर यूज किया जाता है कार्बन फाइबर एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और रेवोल्यूशनरी मटेरियल कंसिडर किया गया है दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कंपनी की एडवांस मटेरियल सेगमेंट में तो यहाँ पे कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है रेजेंस की फिर चाहे हम बात करें तार बेस्ड रेजेंस जिनका यूज़ किया जाता है आपके रबर इंडस्ट्री में या फिर हम बात करें पेट्रोकेमिकल बेस्ड रेजेंस जिनका यूज़ किया जाता है आपके एडहेसिव सेक्टर में तो अगर हम देख सकते ने इस प्रकार से ओवरऑल कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अदर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर सकती है दोस्तों किसी प्रकार के हिच अगर जो है किसी भी एक सेगमेंट में उसको देखने को मिलते हैं क्योंकि कंपनी जो है दूसरे सेगमेंट से वो कंपनसेट कर सकती है तो इस प्रकार से डाइवर्सिफाई होने का काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है कंपनी को मिल सकता है वहीं अगर हम बात करें कंपनी के चैलेंजेस की तो मेजर जो चैलेंज कंपनी फेस कर रही है वो फ्रॉम चाइना की जो चाइना से जो जा, बहुत ही ज़्यादा जो डंपिंग की जाती है केमिकल्स की इंडिया में और वर्ल्ड में उसका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी को देखने का मिल रहा है जो सी पी सी है और सी टी पी है उसमें जो है मेजोर जो प्रोडक्शन है मेजोरिटी जो प्रोडक्शन किया जाता है वो चाइना के द्वारा किया जाता है और वर्ल्ड में चाइना काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को इन इन प्रोडक्ट्स को जो है डंप कर रहा है दूसरा जो मेजर चैलेंज जो कंपनी फेस कर रही है वो स्लो डाउन फेस कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कि आप सबको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में एलूमिनियम के प्रोडक्शन में और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिलता है तो सीधा इंपैक्ट एल्यूमिनियम सेक्टर में देखने को मिलता है और उसका सीधा और डायरेक्ट इंपैक्ट आपको सी और सी की डिमांड में देखने को मिल रहा है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल जो रेन इंडस्ट्री यूज़ करती है वो बेसिकली होते हैं आपके ऑयल uh, रिफाइनिंग के बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग और हमारे जो कोल कोक जो प्रोडक्शन करते हैं मेटल कोक जो प्रोडक्शन करते हैं उनके बाई प्रोडक्ट्स को कंपनी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है और इन सारे रॉ मटेरियल्स की जो डिमांड है और इनकी जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं दोस्तों तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही आई एम श्योर आपको रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में और आप जो है अपना मन बना चुके होंगे कि आपको जो है रेन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए जय